लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ पे हो और आगे क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगी। तो मैं सबको बता दूं कि मैं हूँ शिवी के घर पे और उन्हीं के घर पे मैं रह रही हूँ और 2-3 दिन हो गए मैं वहीं पे हूँ। और रोज़ जाते हैं मतलब फ्लैट वगैरह देखने के लिए कि कुछ अच्छा सा मिल जाए और सिटी में ही मिल जाए। और स्कूल पास में हो, आरू का सारी चीज़ें फैसिलिटी पास में ही हो, तो वो देख रहे हैं। और एक बजट में मिल जाए, बहुत ज़्यादा महंगी भी है यहाँ पे ग्वालियर में, तो एक बजट में मिल जाए जैसे कि मैं रेंट दे पाऊँ, तो वो सारी चीज़ों में लगे हुए हैं क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं मिलती। क्योंकि जो भी कुछ हुआ था ना एकदम सडनली हुआ था कि अचानक से। मैंने शिवी को भी तब बताया था ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं निकलने वाली थी तब मैं आ रही हूँ और तू सबसे बोल शिवी और मेरे लिए फ्लैट वगैरह देख लेना। कि ये वाला जो डिसीजन लिया है ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, 1-2 चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें होंगी और सारा कुछ मेरे ऊपर है। मेरा काम अच्छा चल पाएगा, मैं सारा कुछ अच्छे से कर पाऊँगी, तो मेरे को खुद को भी अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना है जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स आपने ये क्लिपिंग देख ली, जो भी सपना के चाहने वाले हैं वो इस सबको देख के बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि घर से निकलने के बाद में ये पहला व्लॉग डाला है सपना ने अपना, जिसमें सबसे पहले उसने वेलबींग दी है। सेकंडली ये भी बताया है कि वो कहाँ पर है, वो अपनी जो फ्रेंड है उसकी शेरी उनके घर पर है और वो ग्वालियर में रहती हैं। जैसा कि हम लोग समझ रहे थे कि वो डेफिनेटली अपनी मदर के घर पे जाएंगी, लेकिन वहाँ पर नहीं गई, वो गई है ग्वालियर अपने फ्रेंड के पास में और वहाँ पर वो अपना रेंट पे अपना घर लेना चाहती है। और ये डिसीजन उसका बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि देखिए माँ के पास जाना एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन देखिए अभी क्या है कि वो खुद माँ है और उसके पास में दोनों बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वो उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहती है, सही तरह से पढ़ाना चाहती है, तो उसको डेफिनेटली किसी ना किसी सिटी में जाके रहना पड़ेगा। और ग्वालियर एक अच्छी सिटी है जहाँ पर ये सब चीज़ें उसको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी। जो सिटी होते हैं, महानगर होते हैं, यहाँ लोग ना खो जाते हैं, वहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको पूरा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये शुरुआती जद्दोजहद के लिए तैयार है। सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये लगी कि अब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और वो अपनी एक प्लानिंग के अनुसार अपनी ज़िंदगी को लाइन पर लाने के लिए कोशिश में लग गई है। सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि सबसे पहले कोई घर लिया जाए, तो उसको घर को ढूंढने के लिए ही वो लगे हुए हैं सो दैट उनको एक अच्छा घर मिल जाए। रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों का स्कूल भी पास में हो और वो आराम से वहाँ पर रह सके और सारी चीज़ें उसके पास में हो, तो वो सब चीज़ें आसानी से देखभाल कर पाएगी। अब ये वाली क्लिपिंग देखिए, इसको देख आपको लगेगा कि अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, ज़िंदगी को जीना उसने अब सीख लिया है। कि ये वाला जो डिसीजन लिया है ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, 1-2 चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें होंगी और सारा कुछ मेरे ऊपर है। मेरा काम अच्छा चल पाएगा, मैं सारा कुछ अच्छे से कर पाऊँगी, तो मेरे को खुद को भी अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना है जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ और बस सब कुछ ठीक होगा। तो देखिए वो ज़िंदगी की सच्चाई को समझती है, वो समझती है इस बात को कि ये आसान काम नहीं है, जो उसने फैसला लिया है ये बहुत मुश्किल फैसला है, इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी ज़िंदगी की। तो वो इस बात के लिए तैयार है कि जितनी भी मुसीबतें आएंगी वो झेलेगी, सही तरह से झेलेगी। और किस तरह से झेलेगी वो साफ साफ बोल रही है कि मैं अपने दिमाग को सही रखूँगी, अपने आप को सही रखूँगी और मैं अपना काम करूँगी और जब मेरा काम अच्छा चलेगा तो मैं ये सब चीज़ें अच्छी तरह कर पाऊँगी। कम्प्लीटली बौद्धिक स्तर से देखा जाए तो बहुत मैच्योर डिसीजन ले रही है इस टाइम में और अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस लेकर चल रही है अपने आप को। जितने उसने दुख सहे हैं उसने उसको जीना सिखा दिया है, मैं तो यही कहूँगा। ऐसे बिल्कुल टूटने के बाद में किस तरह खड़ा हुआ जाता है ये उसका लिए एक एग्जाम्पल है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए यहाँ फ्लैट लेने का फ़ैसला किया है, यानी कि रेंट पे लेने का फ़ैसला किया है। पहले तो काफ़ी सारे फ्लैट देखे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वाकई में उसको मतलब लग रहा था कि चाहे फ्लैट लेना कितना मुश्किल काम है। देखिए इतना बड़ा शहर है, इतने सारे फ्लैट्स हैं, लेकिन उसके बाद में भी सही अपने इस हिसाब से लेना और किसी नए शहर में लेना ये एक आसान बात नहीं होती। लेकिन शिवी की पूरी फैमिली उसकी हेल्प कर रही है, उसको ये सब काम कराने में उसको मदद कर रही है। और इस तरीके से उन्होंने एक फ्लैट देखा है जो मे बी शाम को फाइनल करेगी और उसको देखने के बाद में वो बेसिकली स्कूल वगैरह सबको देखने के बाद में ही फैसला किया है कि उस फ्लैट को देखा जाए, हो सकता है वो हमारे लिए सूटेबल हो। तो देखिए जहाँ वो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ रही है वहाँ वो पुरानी चीज़ें भी भूल नहीं पा रही है कैसे भी। उसे अब भी इस बात की आ रही है कि उसके सास ससुर ने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, किसी तरह से पूछा नहीं, एटलीस्ट बच्चों से तो बात कर ली होती ना, बच्चों के लिए पूछा ना उसके लिए पूछा। सब कुछ होने के बाद में भी इस लड़की को अभी भी अपने सास ससुर की चिंता है। भाई देखिए क्लिपिंग। 3 दिन हो गए हैं, एक बार भी फ़ोन नहीं आया कि तुम कहाँ हो, बच्चे कैसे हैं। एक बार तो फ़ोन करना था मेरे फैमिली से, जहाँ मैं उनको छोड़ के आई हूँ, कि कहाँ हो, कैसे हो और क्या करो, कि बच्चे कैसे हैं। चल मुझसे नहीं बात करनी, मुझसे कुछ भी नहीं है, एक बार बच्चों से बात करा दे। एक बार भी फ़ोन तक नहीं आया, पर ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं है और मैं कर लूँगी सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं उसे इस बात की आस थी, बेशक उसके लिए फ़ोन ना करें लेकिन कम से कम बच्चों के लिए फ़ोन करेंगे। लेकिन देखिए बच्चे किसके हैं, बच्चे उसी परिवार के हैं। उसके बाद में भी कितना निष्ठुर दिल है उन सास ससुरों का कि वो अपने ही बेटों के बच्चों के बारे में इतने ज़्यादा विमुख हो गए, इतने ज़्यादा दूर हो गए, इतने ज़्यादा उनसे इतने आगे निकल गए कि उनको अब ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये बच्चे जो है ना ये हमारे ही हैं। इतना कठोर, इतना पत्थर दिल हो चुका है उनका। और फिर भी लोग बाग जो है ना बीच बीच में आके उल्टी सीधी बातें करके उनकी तरफ की बातें करने लगते हैं। पर ये सब बात भूल के अब इसको बुरे सपने की तरह अपने उससे ज़िंदगी से निकाल के एक नई शुरुआत जो अब आगे बढ़ चुकी है उसी शुरुआत को आगे ले जाना चाहिए और अपने बच्चों और अपने बारे में सोचना चाहिए। और देखिए कुछ भी कहिए, इसका प्यार जो है, सपना का प्यार अंशु के साथ में ऐसा था, ऐसा अटूट रिश्ता था जो शरीर और प्राण का होता है। दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा बंधे हुए थे, इतने प्यार से रहते थे कि इसने उसको कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरी ननद है। उस अंशु ने भी इसको कभी भी भाभी समझ के प्यार नहीं किया, पूरी तरीके से माँ का ही प्यार दिया। तो एक बार फिर उसके मन में ये कसक उठ रही है कि भाई वो अंशु से दूर है और इतनी दूर होने के बाद में भी पता नहीं कैसी होगी, याद करती होगी या नहीं करती होगी। उसको उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, वो काफ़ी मिस कर रही है अंशु को। अंशु के लिए जो उसका दर्द है वो उसी के शब्दों में ये सुनिए। और अंशु के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी। और उसको भी, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही मुश्किल हो रहा है, उसको भी हो रहा है। और बट एक होप रखते हैं अपने अंदर कि हाँ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और शायद चीज़ें ठीक होंगी। लगता है कि हाँ हो जाएंगी, कभी तो ठीक होंगी। तो उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हों, सब मिलें, बस एक अंदर से है होप। बाकी देखते हैं। ये कुछ यादें हैं उसकी जो उसके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। ये यादें तो वो हैं जो कि वो हमें बता रही है, पर उसके दिमाग में तो और भी बहुत सारी यादें होंगी जो पिछली उसके दिमाग में बनी थी, वहाँ रहते हुए बनी थी। जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि इसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते, या ये कहिए कि अपनी ज़िंदगी से निकालना भी चाहे तो निकल नहीं सकते। दिमाग है कि रात को जो है हमेशा सोते समय आपको वो सारी बातें दिमाग में आती रहेंगी। दिन में आप चाहे कितना भी बिजी रहिए लेकिन रात के टाइम में वो सब चीज़ें घूमने शुरू हो जाती हैं और रातों की नींद गायब हो जाती है, आराम गायब हो जाता है, चिंता लगनी शुरू हो जाती है, दुख होता है, इतना दुख होता है, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम इस उसकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसलिए वो जो थैंक्स बोल रही है सब व्यूवर्स को, सबको कि भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। तो आप लोग जो है इसी तरीके से उनको कमेंट करते रहिए और उनको मनोबल बढ़ाने में उनका मदद करते रहिए। यही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आदमी ये देखता है और ये सोचता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ लेकिन काफ़ी सारे लोग मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। और उससे जो शरीर में एक शक्ति आती है ना, उससे आदमी पूरी तरीके से काम करने के लिए, नया काम करने के लिए, अपनी मुसीबतों को सहन करने के लिए, नई नई मुसीबतों का सामना करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। तो शुक्रिया, धन्यवाद सब लोगों ने जो उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसको विश्वास दिलाया कि वो डेफिनेटली वो कुछ कर सकती है और उसको ये करना ही होगा क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है और उसको अपनी लाइफ को अब बेहतर तरीके से दोबारा से शुरुआत करनी होगी। इसकी जो सहेली है शिवी और इसकी फैमिली पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और उसको हर तरीके से मदद देते हुए अपने घर में रखकर खाना पीना सब कुछ उसके साथ चल रहा है और पूरा टाइम इस बात में लगा रहा है कि किसी भी तरीके से उसको एक अच्छा रूम जो है रेंट पे मिल जाए। और 3 दिन की जद्दोजहद के बाद में इनको एक अच्छा रूम मिल गया और वो रूम जो है वाकई में अच्छा है जो इन्होंने लिया है और साथ साथ जो लोकेशन है वो लोकेशन भी अच्छी है। एटलीस्ट बच्चे अब अच्छी जगह रहेंगे, वो सुकून से रहेगी, साथ में अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा कर सकेगी। उसको बहुत ज़्यादा ना फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था, तो फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था तो वो कम से कम अपना फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ भी पूरा कर सकती है और साथ साथ अपने व्लॉगिंग कैरियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बच्चे जो है ये बहुत ही अच्छे हैं उसके, ख़ासतौर से जो बड़ी लड़की है उसकी आरू, ये लड़की जो है ना फिर दोबारा से इसका लाइफ सपोर्ट बनेगी। जिस तरह से अंशु इसका लाइफ सपोर्ट बनी हुई थी, धीरे धीरे करके ये लड़की जो है 2-3 साल में ही इसका लाइफ सपोर्ट बन जाएगी और अपनी माँ का पूरी अच्छी तरीके से साथ देगी और ये भी उसको पूरी तरह से बड़ा करने में पूरा अपना सब कुछ लगा देगी। एक बार फिर जो है लगता है कि इनकी लाइफ जो पटरी पे आ जाएगी और अच्छी तरीके से चल निकलेगी। इतने दिनों बाद उसको मुस्कुराते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगा, जो वो पूरा अपना कमिटमेंट लेवल बता रही है कि भाई कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उससे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं सब कुछ ये कर पाऊंगी। शेरी ऐसे ही टाइम पे उसका ट्रॉमा जो बयान कर रही है कि किस ट्रॉमा में वो चल रही है और किस तरीके से वो बेहोश भी हो गई थी। यानी देखो भाई, मानसिक स्थितियाँ हैं, आप कितने ज़्यादा ब्रेकडाउन में आ सकते हो, वो फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाले हुए है। अभी दोनों जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, इन्हें तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। वो ऐसे खेल रही हैं, कूद रही हैं, इधर से उधर भाग रही हैं, चाबी लेके भाग रही हैं और आखिरकार उसको एक अच्छा घर मिल गया। और अच्छा घर मिलने के बाद में उसने पूजा करी अपने घर के बाहर बैठ के, यानी दरवाजे पे बैठ के घुसने से पहले दोनों बच्चियों के साथ में पूजा करी। दोनों बच्चियों ने उस वहाँ पे पूजा में भाग लिया। जो आरू है उससे वो उन्होंने पूजा कराई। आरू को पूजा कराते हुए देखकर जिस तरह से उसकी माँ उससे पूजा करा रही है और जिस तरह से वो बच्ची कर रही है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्लिपिंग जो अलग से निकाली थी आप लोगों को सबको दिखाने के लिए, आपको भी देख कर बहुत अच्छा लगेगा। यह वाली क्लिपिंग देखिए। यहाँ पे बनाते हैं ये वाली दो जगह बनाता हूँ। अरे इससे बीबी भी इससे इधर दिखाओ, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब चावल ले लो थोड़े से, लो यहाँ पे लगा दो, चावल भी लगा दो यहाँ पे लगा दो ऐसे। अब उस साइड बनाओ, बनवाओ। आ जाओ कान्हा जी, इधर बिठा दो। आ जाओ, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, इधर आओ, जल्दी बनाओ, जाओ नानी की गोद में बैठ जाओ। को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में वहाँ पे उस बच्ची से सतिये बनवाए। सतिये बनवाने के बाद में उसमें रोली वगैरह ये सब लगाकर, चावल लगाकर वहाँ पर पूरा उसने काम किया। और उसके बाद में उसका गृह प्रवेश करने से पहले पहले ये सब किया। और सबसे पहले वो दोनों छोटी बच्चियों ने एक एक कदम जो रखा वो देखने लायक है वो वीडियो। चलिए भाई, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि अब वो जो अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी है तो एक मजबूत पिलर की तरह से अपनी ज़िंदगी को संभाले और इन बच्चों को संभाले और अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाए। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उनके बारे में सोचने का फ़ायदा है। बहुत सारे लोग जो जात की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन सबको छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। यूट्यूब से उससे काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है और यूट्यूब एक अच्छा अर्निंग सोर्स है और उसकी इनकम का जो लेवल है वो भी एक ऐसा लेवल है कि वो अपने बच्चों को कम से कम यहाँ पाल सकती है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा भी होगा कि जब वो अपना ही घर लेकर इन बच्चों के साथ में रह सकेगी। तो चलिए अभी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में सपना को और उसके दोनों बच्चों को कि वो नए घर में आ गए हैं और नए घर में अपना सामान लेके अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और पुराने चैप्टर से बाहर निकल के सब कुछ खुशी खुशी अच्छी तरह से बनाएंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।